गॉड, ये रवि ने आखिरी वक्त पर पहुंचकर मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? और आप डांस से इस तरह क्यों भाग कर आ गए? मैं आपको कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझती। देखिए, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। मुझे ये जानना है कि जो मैं आपके लिए फील करता हूँ, क्या आप भी मेरे लिए वही फील करती हैं? मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे। ये क्या बदतमीजी है? देखिए, आप समझदार हैं, आपको मालूम है मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, मैं समझदार हूँ और इसीलिए आपकी नासमझी पर मुझे बहुत तरस आ रही है। क्या जानना चाहते हैं आप कि मैं आपके लिए क्या फील करती हूँ? तो सुनिए, घिन आती है मुझे आपसे। जानना चाहते हैं कि उस डांस से मैं बीच में क्यों चली आई? क्योंकि जिस तरीके से आप मुझे छू रहे थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसे कोई किसी अपने को छूता है जो उसके दिल के करीब होता है, और आप मेरे कुछ नहीं लगते। ऐसे छूने का हक सिर्फ मेरे लाइफ पार्टनर को होगा, आपको नहीं। और आपके लिए तो है ना मिस लूथरा, उनसे शादी करने वाले हैं ना, तो उनसे कही ये सारी बातें। एक सेकंड, मैं आपके लिए बुला देती हूँ। ऐसा होता है तुम्हारा काम? ये है तुम्हारी प्लानिंग? ओ मैडम, मेरा कोई भी प्लान कभी फेल नहीं होता, और गड़बड़ मैंने नहीं है, आपके मंगेतर ने की है। व्हाटएवर, अभी की अभी दूसरा प्लान बनाओ और जो काम तुम्हें दिया है उसको अंजाम दो। यू अंडरस्टैंड? ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। ऐसे मैडम, खुशबू तो आपकी भी बड़ी अच्छी है, नहीं? बकवास बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। निवेदिता लूथरा, ओ, लगता है आपको कोई ढूंढ रहा है। शायद ये मेरा वही शिकार, इसके लिए मुझे अब दूसरी प्लानिंग करनी होगी। अब जाइए मैडम, बिंदास जाइए, आपका काम हो जाएगा। हाँ, तुमने बुलाया मुझे? हाँ, वो क्या है ना, आपके मंगेतर आपको काफी मिस कर रहे थे, आपके साथ डांस करना चाहते हैं। Really? क्या आप? बोल दीजिए ना आपको जो कुछ भी कहना है, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं। गो एंजॉय योर डांस। वाह रवि, चलो रवि, लेट्स डांस। क्या हो गया है मुझे? क्यों अब इन दोनों को साथ देखकर मुझे बुरा लगता है? सब कुछ जानती हूँ मैं, रवि ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, वो तो हमेशा से निवेदिता से प्यार करता था, और वैसे भी मुझे तो नफरत है ना उससे। तो फिर क्यों अब भी बुरा लगता है? तो बार बार खुद को तकलीफ देती रहती हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो दोनों एक साथ हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भैया एक मिनट। हाय, प्लीज प्ले रोमांटिक सॉन्ग, मुझे अपने फियांसे के साथ डांस करना। अंबिका ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मिस लूथरा के साथ मैं डांस करना ही नहीं चाहता। मैं जानती हूँ तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, सिर्फ और सिर्फ उस अंबिका की वजह से, देविका नहीं तो अंबिका। लेकिन कोई बात नहीं रवि, बहुत जल्द मेरे रास्ते से ये कांटा भी हट जाएगा, फिर बस मैं ही रहूँगी तुम्हारी जिंदगी में, और तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। फिर तुम्हें मेरे प्यार को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा,
उठाकर अपने कमरे में थोड़ा आराम करती हूँ। ठंडे दिमाग से सोचती हूँ संबिका को कैसे मारना है। मम्मी जी आप क्यों टेंशन ले रही हैं? सुबह तक चली गई पार्टी देखने। तेरे को पता ही थी ना वो बम फूटने वाली बात। वो पता नहीं कब बम फूट जाना है, कब इस पूरी पार्टी की धज्जियां उड़ जानी है। अश्वेता अगर किस्मत खराब हुई ना तो हमने भी जेल चले जाना है, वो चक्की पीसनी पड़नी है। पता नहीं क्या होना है भाई। ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? कौन सा बम फूटने वाला और जेल कौन जाने वाला है? नहीं वो पुत्र वो इतना कुछ हो रहा है ना आजकल घर में, वैसे डर सा लगता रहता है कि पता नहीं कब बम फूट जाएगा, कब कोई पहाड़ हमारे ऊपर गिर जाएगा। मतलब ऐसे टेंशन तो होती है ना पुत्र। तो मेरी प्यारी माँ ऐसा कोई काम करना ही नहीं चाहिए ना जिसमें कोई डरने वाली बात हो, और ना ही ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो बम फोड़ने का शौक रखते हैं। मेरे इस बार से तुझे कौन बचाएगा? एक बार तो तू बच गई, लेकिन अब कोई चांस ही नहीं अंबिका। एक भी स्विच काम नहीं कर रही है। That's weird. बाहर की तो सारी लाइट्स ऑन है। ज्योति, कौन है? कौन है वहां? मैं देविका। इतनी जल्दी भूल गई मुझे, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ तुमको। वहाँ डाला था ना तुमने मुझे, अब मेरी बारी है, अब तुम मरोगी। क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चलो मेरे साथ, तुम्हारा जीने का वक्त खत्म। शट अप! इस स्टूपिड खेल खेलना बंद करो मेरे साथ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम देविका हो। मेरा मतलब है अंबिका और देविका बनने का नाटक कर रही हो। Stop playing this game with me. मुझे अच्छी तरह से पता है कोई भूत-भूत नहीं है। I know there's no ghost. मैं मार दूंगी यार तुम्हें। I swear मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं तो मर चुकी हूँ, फिर कैसे मारोगी मुझे? उस दिन नहीं मरी थी ना तुम, इस बार सच में मर जाओगी। I'll kill you. I swear I'll kill you. I'll kill you. आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बहुत परेशान करती हो तुम मुझे। I'll kill you once and for all, देविका। आज मैं तुम्हारा ये किस्सा ही खत्म करके रुक। देविका मर गई, यानी कि अंबिका मर गई। Oh my God! और मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, मेरे रास्ते की दीवार खुद ही गिर गई। मेरी पार्टी का मकसद इतनी जल्दी इतनी आसानी से पूरा हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। Now my life is sorted. I'm so happy. I'm so happy. मैं जाकर रवि को सब कुछ बताती हूँ, वो भी अपनी आंखों से देखेगा तो मान जाएगा। तुम तो मेरे कोई और देविका बनकर उसे डराएगी। एक तरफ उसके सामने देविका होगी और दूसरी तरफ पार्टी में अंबिका मौजूद होगी। तुमने लाल साड़ी पहनी थी, मैं तुम मेरे कमरे में थी ना, तुमने वो मैंने तुम्हें खिड़की। एक्सक्यूज मी, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो यही हूं ना इसी पार्टी में,
हाँ भूल गई, आपने ही तो बुलाया था। एक सेकेंड, मुझे लगता है आपको वो पागलपन का दौरा फिर से पड़ गया है। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे कमरे में थी। आई सॉ यू देयर। मिस्टर गरेवाल, मिस्टर रवि गरेवाल, तुम्हें तो खिड़की से मैंने ये देखिए ना, मिस लूथरा को फिर से पता नहीं क्या हो गया, मुझसे अजीब अजीब सी बातें कर रही हैं। मुझसे कह रही हैं कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, इनके कमरे में इन्होंने मुझे देखा है। आई डोंट नो व्हाट, लगता है कि आपके साइकियाट्रिस्ट के इलाज से भी कोई फर्क नहीं पड़ा इन पर। इन्हें किसी बाबा को दिखाने की जरूरत है जो इनके सर से ये देविका का भूत उतार सके। मिस लूथरा इधर आइए, इधर आइए। मिस लूथरा आपको हुआ क्या, आप ठीक तो हैं? अब किसे देखा आपने? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ रवि। वो मैंने, आई नो, ये देविका वो भूत वूत, इट्स ऑल रबिश। मुझे लगता है मेरे दिमाग पर बहुत स्ट्रेस है रवि। आई एम सॉरी, आई थिंक मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ। प्लीज प्लीज, अब जाके आराम कीजिए, ओके? या सॉरी। मिस्टर गरेवाल, आई रियली फील सॉरी फॉर यू। मुझे आप पर बहुत तरस आता है। आई मीन, आपकी मंगेतर मिस लूथरा की मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके बाद भी आपको उनके साथ पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। आई मीन, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वैसे ये देविका थी कौन? आई मीन, वो कौन थी जिसकी वजह से मिस लूथरा की ऐसी हालत हो गई है आज? मेरी वाइफ थी वो। मैं जानती हूँ, लेकिन ऐसा क्या खास था उसमें? वो दुनिया की सबसे अच्छी वाइफ थी। अच्छा, तो फिर तो ये बहुत अजीब बात है ना। अगर वो इतनी अच्छी थी तो आपने इतनी जल्दी उसे भुला कैसे दिया और किसी और से शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गए? अंबिका जी, आप ये सब नहीं समझेंगे। हाँ, शायद मैं ये बात ना समझ पाऊँ, लेकिन एक बात मैं अच्छे से समझती हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी मंगेतर मिस लूथरा का ही हाथ है उनकी मौत के पीछे, वरना हर बार वो ऐसे रिएक्ट नहीं करती। आई थिंक वही रिस्पॉन्सिबल है देविका की मौत के पीछे। माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं मिस लूथरा के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुन पाऊंगा। आप नहीं जानते, लेकिन मिस लूथरा ने मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया। वो गलत है सही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके बारे में मैं ये सब नहीं सुन पाऊंगा। कहाँ गई? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? द हेल इज हैपनिंग? अगर अंबिका पार्टी में है और देविका मर चुकी है तो वो कौन थी और अब कहाँ गई? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? जो हुआ वो मेरा वहम नहीं था, मैं जानती हूँ। ऐसे तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। ये भूत, कहीं मुझे किसी भूत उतारने वाले के पास तो नहीं जाना पड़ेगा? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। जस्ट सेंटर योरसेल्फ निमी, ये सब भूलकर तुम्हें अंबिका पर फोकस करना है। अंबिका हैज टू डाई, आज उसे मरना ही होगा। यस, शी हैज टू डाई। रिलैक्स मिस्टर गरेवाल, आप इतना सीरियस क्यों हो गए हैं? मैं मजाक कर रही थी, आई वाज जस्ट किडिंग। और आप हर बार ऐसे क्यों रिएक्ट करते हैं इस टॉपिक पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी मंगेतर के साथ साथ आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं? बस कीजिए अंबिका जी, मैं मिस लूथरा के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सुन सकता। प्लीज, वो बुरी हैं अच्छी हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत कुछ किया मैंने, तो आइंदा प्लीज ऐसा मजाक करो मत कीजिएगा। एक्सक्यूज मी। अब सब कुछ ठीक है रवि, सॉरी अंबिका, आई एम रियली सॉरी रवि। मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम सबके सामने शर्मिंदा हो जाते हो, एंड आई प्रॉमिस यू मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। शायद तुम जैसे देविका को मिस करते हो, मैं भी अपनी अच्छी दोस्त को मिस करती हूँ। पता नहीं इसलिए जब भी उसे महसूस करती हूँ मुझे क्या हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, इसलिए मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ। शायद वो ये कहना चाहती हो कि वो इस शादी से बहुत खुश है और हम दोनों को ऐसे ही हमेशा साथ देखना चाहती।
हर तरफ देख, कहीं दिखाई नहीं दे रही अंबिका। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पार्टी छोड़कर घर चली गई। और हाँ, ये निवेदिता मैडम भी नहीं दिखाई दे रही। एक्सक्यूज मी प्लीज। क्या सोचा है तुमने? अरे मैडम, कहाँ थी आप? मैं आप ही को ढूंढ रहा था। वो अंबिका कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मुझे तो लगता है कि वो पार्टी छोड़कर ना घर चली गई। नहीं, वो पार्टी छोड़कर नहीं गई है, वो यहीं पर है, उस तरफ होगी। ढूंढो उसे। और अगर तुमने कोई तरीका सोचा है तो जल्दी से बता दो मुझे। यह है सूरज साहू की सोच। ये 100% काम करेगा मैडम। इस चाल के चलते मैंने अभी तक 9 लोगों की जान ली है और अंबिका 10वीं होगी। ये ड्रिंक तुम्हारा प्लान है? हमसे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। क्या मैडम, इतनी सीधी भी आप लगती नहीं है जो इतनी सी चीज नहीं समझ पा। इस ड्रिंक में मैंने जहर मिलाया है। ये जहर थोड़ा अलग टाइप का है। जैसे इसे अंबिका पिएगी, 10 मिनट में उसका राम नाम सत्य हो जाएगा और लोगों को ये लगेगा कि उसको दिल का दौरा पड़ा, क्योंकि इसमें जहर जैसे कोई लक्षण ही नहीं। किसी को शक भी नहीं होगा कि ये मर्डर है। It's like a very good plan. अब इसे जल्दी से एग्जीक्यूट करो। हाँ मैडम, आपका काम हो जाएगा मैडम। बस आप मेरा पैसा तैयार रखिए। ओ, तो ये है आपका बंदा? हा? तो तुम वहां खड़े खड़े मेरी बातें सुन रही थी छुप छुप कर? जासूसी कर रही हो तो मेरी? अरे नहीं जी, कैसी बातें कर रही है? मैं क्यों जासूसी करूंगी? मैं तो ड्रिंक लेने आई थी वेटर से। क्या है ना, आपकी सारी बातें सुनाई दे गई मेरे को। अगर तुमने अपना मुंह किसी के सामने खोला तो श्वेता। अरे नहीं नहीं, आप भी चुप रहिए। अच्छा चल के देखते हैं कि आपके दुश्मन मुंह को कैसे मुंह लगाती है। चलिए ना। मछली दस गुड आइडिया। चलें। ड्रिंक मैम? नो थैंक यू। लीजिए ना मैम, अच्छी ड्रिंक है। ओके ये वाली नहीं, ये वाली।